होगा नोटिफिकेशन, यहाँ पढ़ें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती इंतजार कर रहे युवाओं के पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी करने में थोड़ा समय लगेगा। भर्ती के लिए मंजूरी सभी स्तर पर मिल चुकी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए स्वीकृत पदों को संशोधित किया जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा पुलिस विभाग से यह रिपोर्ट मांगी गई थी। पूर्व में मांगी गई मंजूरी और वर्तमान में मिली मंजूरी को विभाग द्वारा करना था। पुलिस विभाग द्वारा हरी झंडी के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए विभाग ने अभी कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। नगर निकाय चुनावों के बाद पंचायत चुनाव में पुलिस और प्रशासन व्यस्तता के चलते भर्ती में देरी की संभावना है। दिसंबर महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की स्थिति में यह भर्ती फरवरी तक जारी की जा सकती है। भर्ती संबंधी सभी जरूरी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखते रहें। नवंबर महीने में नगर निकाय चुनावों के बाद दिसंबर के अंत तक अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना बहुत कम है। पंचायत चुनावों की तैयारियां भी उसके बाद ही शुरू हो जाएगी। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद कम समय में ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान पुलिस में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले भर्ती के लिए पदों की संख्या में भी संशोधन किया जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही रहेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के कुल 8600 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है। उप निरीक्षक के 706 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजीपी से मुलाकात के बाद ट्वीट के जरिए इस भर्ती की जानकारी दी थी। तो आपने सारी जानकारी देख ली है। इस जानकारी के बाद आप खुद भी समझ सकते हो कि यह भर्ती कब तक आ सकती है, क्योंकि अभी नगर निगम निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायती चुनाव आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह साफ साफ जानकारी दी गई थी देवव्रत सिंह जी के द्वारा। यहाँ पर 30 अक्टूबर 2019 की बड़ी अपडेट है 3:08 की। तो यहाँ पर यह सारी जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल राजस्थान पत्रिका की ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है, पर हरी झंडी मिलने के बाद भी नगर निकाय चुनाव आ चुके हैं अभी, तो आचार संहिता लग गई है। उसके बाद यहाँ पर जैसे नगर निकाय चुनाव खत्म होंगे पंचायती चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को इंतज़ार था, अब आपको पढ़ाई का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आप शुरू कर दोगे तो आपके चुनाव के बाद जस्ट आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी, तो आपको समय नहीं मिलेगा। अभी आप जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत सारा समय है, तो समय को उपयोग में लीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका राजस्थान पुलिस में सेलेक्शन हो सके। क्योंकि यहाँ पर 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन है, तो जो 10वीं में पढ़ते हैं वो विद्यार्थियों की भी वहाँ तक काम हो जाएगा। तो जो 11वीं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों।